बच्चों, तो आज हम वितान भाग दो पाठ एक सिल्वर वेडिंग की व्याख्या के दूसरे प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर चुके हैं, जिसमें यशोधर बाबू और उनका व्यवहार, यशोधर बाबू और किशन दा की क्या भूमिका रही, यशोधर बाबू की कैसी व्यवस्थाएं रही, ये सब हम पहलुओं पर विचार कर चुके हैं। अब हम विचार करेंगे यशोधर बाबू और उनका परिवार, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने में परिवार का बड़ा अहम रोल होता है। तो आइए जानना चाहते हैं कि यशोधर बाबू और उनका परिवार किस तरह से कहीं न कहीं विफल रहा, जिसमें यशोधर बाबू बिखर गए। यशोधर बाबू और उनका परिवार, यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, तीन बेटे और एक पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपए प्रति माह पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे ये कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछे। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता यानी ठीक लगता लगना नहीं था। ये सब बातें उन बच्चों को, परिवार वालों को अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि ये सब कार्य व्यक्ति जीवन के चौथे पन में करता है। उनके विचार से बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में पुरानी परंपराओं के प्रति आदर था, इसलिए वे उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब विचार करते हैं यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग क्या थी, कैसे वो अपने जीवन के 25 साल व्यतीत कर लिए, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान तक नहीं हो पाया कि इस खुशी को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांटा जा सकता है। बाबूजी को पता ही नहीं था कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें, लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हों। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। अगर देखा जाए तो यह कहानी पूरी तरह से हर व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है, क्योंकि व्यक्ति समाज में चाहे जिस भी रूप में रहे, उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना और जिम्मेदारियों में अपने आप को सजग पाना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है जिससे कोई भाग नहीं सकता। और यही कारण है कि यशोधर बाबू
इन्हीं जिम्मेदारियों के जंजाल में, इसी दलदल में फंसते रहे, बढ़ते रहे, कुछ चीजों को स्वीकार भी किए और कुछ चीजों को स्वीकार करने के मन होने पर भी अस्वीकार करते हुए इन सब व्यवस्थाओं में जीने के लिए विवश थे। और ये कहानी उन्हीं की उस वास्तविक व्यवस्था को उजागर करने के लिए रची गई थी, जो आज समाज का हर व्यक्ति महसूस करता है। तो इस कहानी के इस प्रसंग में इतना ही। नमस्कार।